हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्पाइडरमैन के बहुत ही अच्छे गेम्स के बारे में। तो ये गेम्स बहुत ही अच्छे हैं और इनके ग्राफिक बहुत ही हाई होंगे। तो चलिए बिना किसी बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए तो यहाँ पे ये है हमारे फिफ्थ नंबर का गेम है, इसका नाम है स्पाइडरमैन। तो इसमें आपको स्पाइडरमैन के सभी विलन देखने को मिल जाएंगे और ये N64 एमुलेटर में चलेगा। इसका साइज़ सिर्फ 28 MB है, जो इस गेम की बहुत अच्छी बात है और ये बिल्कुल भी लैग नहीं करता है। बाकी के स्पाइडरमैन के गेम बहुत ज़्यादा लैग करते हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन 3 और बहुत सारे गेम, तो बहुत सेटिंग करनी पड़ती है और उनके साइज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। और उस हिसाब से इस गेम की ग्राफिक भी मुझे बहुत अच्छे लगे और इसकी स्टोरी भी बहुत खास लगी, तो इसलिए ये गेम नंबर 5 पे मैंने रखा है। तो चलिए अब मैं आपको अगले गेम के बारे में बताता हूँ। तो ये हमारा नंबर 4th का गेम, इस गेम का नाम है स्पाइडरमैन टोटल मेहम। तो दोस्तों ये गेम 2013 में बना है और इसका ग्राफिक्स जो है थोड़े से कम है, लेकिन ये गेम बहुत ही खास है। देख सकते हैं आप, इसमें सभी विलन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, वेनम, राइनो, ग्रीन गोब्लिन सभी। तो गेम बहुत ही अच्छा है, ग्राफिक भी बहुत खास है। देखिए अल्टीमेट स्पाइडरमैन टोटल मेहम। तो ये हमारा 4th नंबर का गेम, इसका थोड़ा सा गेम प्ले आप देख ले दीजिए। तो गेम प्ले बहुत ही स्मूथली आपके फ़ोन में ये चल जाएगा। तो ये आ गया स्पाइडरमैन, इसका साइज सिर्फ 400 MB तक का ही आपको मिल जाएगा। और दोस्तों इसका जो स्पाइडरमैन है थोड़ा पुराना टाइप का आपको लगेगा, लेकिन इसके ग्राफिक्स थोड़े से भी ज़्यादा नहीं दिखेंगे, इससे ज़्यादा आपको इसके ग्राफिक नहीं मिलेंगे। तो ये है हमारा गेम, इसमें बीच बीच में ऐसे स्टोरी आते जाती है और गेम आगे बढ़ते जाता है। तो ये गेम बहुत ही स्मूथली आपके फ़ोन में चलेगा। तो अब चलते हैं अब अगले गेम की ओर। ये गेम आप ज़रूर खेलिएगा, बहुत अच्छा गेम है ये। तो चलिए अब 3rd नंबर के गेम के बारे में आपको बताता हूँ। तो ये है हमारा 3rd नंबर का गेम, इस गेम का नाम है स्पाइडरमैन फ्रेंड एंड फो। और इसमें आपको सभी विलन मिलेंगे और इसमें हैरी भी आपके साथ होता है। तो ये गेम बहुत अच्छा है, इसकी स्टोरी जो बनाई गई मेरे ख्याल से अब तक के स्पाइडरमैन के गेम में से बहुत अच्छा गेम ये है। इसका साइज़ लेकिन थोड़ा ज़्यादा लगा मेरे को, 600 MB तक का साइज़ इसका आपको मिलेगा। और ये देखिए इसमें आपको वेनम भी है, इसमें गोब्लिन, सैंडमैन बहुत सारे विलन स्पाइडरमैन के इसमें हैं। तो इसमें स्टोरीज जो हैं ऐसी ही चलती जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छे मिशंस इसके हैं आप। और हैरी इसमें आपके साथ ही लड़ता है, तो इसके में गेम में बहुत मज़ा आता है। स्पाइडरमैन के गेमों में मेरे ख्याल से सही में 3rd नंबर पे तो आएगा ही। तो ये गेम ज़्यादा पुराना नहीं है, वैसे स्पाइडरमैन 3 के बाद ही ये गेम बना है। तो गेम बहुत ही खास लगा मुझे, इसके ग्राफिक बहुत ही अच्छे लगे, इसके मिशंस बहुत ही अच्छे हैं, स्टोरीज बहुत खास हैं। तो उस हिसाब से ये गेम 3rd नंबर पे होना ही चाहिए था। तो चलिए अब मैं आपको 2nd नंबर के गेम के बारे में बताता हूँ। ये गेम ज़रूर खेलिए, इसकी डिस्क्रिप्शन में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। तो चलिए 2nd नंबर के गेम के बारे में आपको बताता हूँ। तो ये है हमारा 2nd नंबर का गेम, इस गेम का नाम है स्पाइडरमैन शैटर डायमेंशंस। तो दोस्तों ये गेम अब तक का स्पाइडरमैन का सबसे लेटेस्ट गेम है और इसका साइज़ भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 1 GB का ये गेम है।
और इसके आप एमुलेटर में खेल सकते हैं, और आप इसे हर फ़ोन में ये गेम नहीं चलेगा, इसके लिए फ़ोन भी तगड़ा होना, क्योंकि इसके ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों इसे भी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन शायद ये गेम आपके फ़ोन में ना चले। तो दोस्तों इसमें सभी डायमेंशंस के जो स्पाइडरमैन है इस गेम में आपको देखने को मिल जाएंगे, और इसके ग्राफिक बहुत ही अच्छे हैं, और गेम की स्टोरी भी बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, इसलिए मैंने इसे सेकंड नंबर पर रखा है। इसमें जो प्रॉब्लम आती है लैगिंग की, तो लैग बहुत होता है गेम, तो सेटिंग बहुत दुनिया भर की सेटिंग इसमें लगती है, लेकिन स्पाइडरमैन का ये सबसे अच्छा गेम कह सकते हैं आप। अभी सभी लोग ये गेम खेलना चाहते हैं शटर डायमेंशन, क्योंकि इसमें सभी डायमेंशन के स्पाइडरमैन आपको देखने को मिलेंगे, तो गेम बहुत ही खास है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ नंबर वन गेम के बारे में। तो चलिए प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा एंड तक के देखिएगा। तो दोस्तों हमारा नंबर वन गेम का नाम है स्पाइडरमैन 3। तो ये गेम का साइज बहुत ज़्यादा है और गेम भी बहुत अच्छा है। इस गेम ग्राफिक्स वैसे उतने अच्छे नहीं है, लेकिन इसके जो मिशंस हैं बहुत सारे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग मिशंस हैं। इसमें आपको वेनम, सैंडमैन, मिस्टीरियो तीनों देखने को मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा गेम है, इसमें हैरी भी होता है। तो गेम में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, मिशंस बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन बात आती है इस गेम को डाउनलोड कैसे करें। तो डाउनलोड करने की टेंशन है, तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट डाउनलोड लिंक आपको वहां मिल जाएगी। और इसके लिए आप PPSS PP एमुलेटर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो ये एमुलेटर के बिना आप इसे नहीं खेल पाएंगे। तो ये सब गेम्स जो आपको अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। और ये सभी गेम्स बहुत अच्छे हैं, तो सभी गेम्स आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं और खेल सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक्स।